गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम साइंस में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए क्या है इस चैप्टर में, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस एंड सेकेंड फिजिकल चेंजेस। अभी होते क्या है चलिए हम पढ़ते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। देखिए आप हर दिन आप देखते होंगे कि आपके आसपास बदलाव होते रहते हैं, है ना। दीज चेंजेस मे इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टेंसेस। अब इन जो ये जो बदलाव होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में ही चेंज हो रहा है, कई सारे सबस्टेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मा आपसे कहती हैं कि पानी में चीनी घोल दो, है ना। तो जो पानी में हमने चीनी घोली तो पानी में चीनी घोलने पर क्या बनता है बच्चों, शुगर सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो पानी में चीनी घोलने से क्या हुआ, उसमें बदलाव आया। जो पानी था हमने उसमें अगर चीनी डाल दी तो वो पानी कैसा हो गया, मीठा हो गया ना, उसमें बदलाव आया। इसी तरीके से आप देखते हैं आपकी मम्मी दूध से दही बनाती है ना, दूध जमाने रखती है जिससे दही बनता है, तो ये भी बदलाव हुआ, है ना। और कभी कभी क्या होता है जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है, दही जो होता है ना बहुत खट्टा हो जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक बदलाव है, है ना। जो चीज़ पहले थी उसमें कोई बदलाव आ गया, वो कुछ और हो गई, कोई ना कोई उसमें चेंजेस आ गए। अब जैसे रबर बैंड है मेरे हाथ में और मैंने रबर बैंड को खींच दिया तो रबर बैंड का साइज़ क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। वो अभी छोटी थी तो फिर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो भी एक चेंज है, है ना। अब जैसे पानी है, पानी से हम बर्फ़ बनाते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं बर्फ़ बन जाती है, तो पानी से क्या बनी, बर्फ़ बनी, वो भी एक बदलाव है, है ना। तो इसी तरीके से आपको आपके आसपास जो भी चेंजेस होते हैं ऐसे 10 चेंजेस के बारे में लिखना है। जैसे इसमें अभी मैंने बहुत सारे आपको बताए, है ना, आपकी मम्मी बोलती है दूध में चीनी घोल दो तो वो भी एक बदलाव है। तो इसी तरीके से आपको चेंजेस 10 चेंजेस लिखने हैं जो आप अपने चारों तरफ नोटिस करते हैं, चेंजेस मतलब बदलाव लिखने हैं आपको। तो हम इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, फिर हम ये उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जानेंगे कि इन चेंजेस का नेचर कैसा है, है ना। तो देखो बच्चों बेसिकली जो आपके चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है बच्चों फिजिकल और सेकेंड होता है केमिकल। फर्स्ट है आपका फिजिकल एंड सेकेंड आपका केमिकल, मतलब दो तरीके के बदलाव हो सकते हैं, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। अब होते क्या हैं ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो हम सबसे पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिजिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि हमें उन्हें करना क्या है, समझते हैं। देखिए तो जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, आपको एक आप पीस ऑफ पेपर लेना है, आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है और उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर देना है, जैसा आप ये फिगर में देख सकते हैं, है ना। मतलब आपने एक बड़ा सा पीस लिया, ये आप देख सकते हैं, या आपने एक बड़ा सा पीस लिया और उसको पहले आपने 1, 2, 3, 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आपको और क्या करना है, जो आपका एक पीस है उसको फिर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब जो आपका ये जो एक पीस है ना, ये एक पीस फिर आपने उसको 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, इन पेजेस को जो आपने ये पीसेस हैं उन पीसेस को अपने टेबल पर रखने हैं और इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है और इन्हें आपको जोड़ने की कोशिश करनी है। तो क्या आप इन्हें जोड़कर वही ओरिजिनल पीस बना सकते हैं, मतलब पहले जैसा था वैसा आप बना सकते हैं? देखिए नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना हम, क्योंकि पहले तो ये पूरा एक था और अब हमने इसके क्या कर दिए, पीसेस कर दिए, तो हम इन पीसेस को जॉइन करके दोबारा ओरिजिनल पीस नहीं ला सकते। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया, मतलब
पेपर की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, उसमें कोई बदलाव आया? नहीं ना, पेपर जैसा पहले था वैसे ही अब है। पेपर पहले जिस चीज़ों से बना हुआ था वो भी अब भी उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कटिंग करने में कुछ और चीज़ें ऐड हो गई हूँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। मतलब किस में चेंजेस आए? केवल साइज़ में चेंज आया कि जो पहले बड़ा था वो अब छोटे छोटे पीसेस हो गए। मींस ओनली चेंज किस में आया बच्चों? साइज़ में चेंज आया। तो ये किस तरीके का चेंज है? ये फिज़िकल चेंज है। कैसा चेंज है? ये फिज़िकल चेंज। अभी हम पहले एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अब हमारे पास दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपको जो चॉक डस्ट होता है ना, जैसे चॉक यूज़ होती है, तो चॉक जब मैम ब्लैक बोर्ड पर चलाती हैं, यूज़ करती हैं, तो वो चॉक का डस्ट गिरता रहता है, तो आपको वही उस डस्ट को कलेक्ट करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, चॉक ले सकते हैं और उसको पीसेस में कट, मतलब पीसेस में क्रश कर सकते हैं उसको, छोटे छोटे पीसेस में, तो वो क्या बन जाएगा? चूरा टाइप का बन जाएगा ना। फिर आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी क्या ऐड करना है, उसमें आपको पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस पेस्ट सा बना लेना है। जैसे हम रोली में थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लेते हैं, इसी वे में आपको उस चॉक डस्ट में, चॉक डस्ट का पेस्ट बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, उस पेस्ट को लेकर वही रोल कर उसको, मतलब चॉक के पीस में लेकर आना है, जैसे चॉक होती है ना, उसी शेप में आपको लेकर आना है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे क्या आपको वो चॉक दोबारा वापस मिल जाएगी, मतलब जो आपने क्रश की, क्या वही साइज़ आपको दोबारा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा हो सकता है साइज़ कैसा हो, छोटा हो सकता है। मतलब चॉक तो चॉक ही रहेगी, चॉक की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। चॉक के अंदर तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना, ऐसा तो नहीं उसमें पानी डालने से आपका चॉक की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, नहीं ना। तो केवल किस में चेंज हुआ? साइज़ में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? साइज़ में चेंज हुआ। इसी तरीके से जो एक्टिविटी आपकी 6.3 है, उसे हम देखते हैं क्या है। आपको एक ग्लास में कुछ बर्फ़ लेनी है। क्या लेनी है? ग्लास में आप बर्फ़ लें। बर्फ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, सूरज की रोशनी में रखकर आपको, मतलब जो बर्फ़ आपने ली है पूरी बर्फ़, तो पूरी बर्फ़ को मेल्ट नहीं करना है, आपको थोड़े से पार्ट को क्या करना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आपको उसमें बर्फ़ भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा, क्योंकि मेल्ट होने से क्या हुआ, देखो जो बर्फ़ है वो किस में चेंज हुई बच्चों? पानी में चेंज हुई, मतलब दिखने में चेंज हुई, बस अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। आइस में भी अगर वही H2O है और वाटर में भी H2O है, वाटर बन होता किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था ना H2O, उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो आइस भी वही है, वाटर भी वही है, बस चेंज क्या आया, उनके दिखने में चेंज आया कि पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, अब वो कैसी स्टेट में हो गई, लिक्विड स्टेट में हो गई। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, उस पानी को, फिर जो आपने पानी है, पानी और बर्फ़ का मिक्सचर है, फिर आपको उसने, आपने फिर क्या किया, उसको फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में क्या होगा, फ्रीज़र में टेम्परेचर की वजह से वो पानी फिर बर्फ़ बन जाएगा। मतलब फिर क्या हुआ, जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। मतलब हम ये कह सकते हैं वो चीज़ केवल दिखने में बदल रही है, अंदर से नहीं बदल रही। जैसे मैं बाहर से चेंज हो जाऊँ, मैं बाहर से नए कपड़े पहन लूँ, लेकिन अंदर से मैं वही हूँ, मेरा मन वही है, मेरी बातें वही हैं, सब कुछ वही है, बट मैं बस बाहर से अपने आप को चेंज कर लूँ, मतलब मैं अपना ड्रेसिंग स्टाइल अगर मैं बदल लूँ, तो वो है एक फिज़िकल चेंज किया है मैंने अपने अंदर। कैसा चेंज किया है? फिज़िकल चेंज, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक्टिविटी 2 और है ना, उन्हें और समझते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 6.4। एक्टिविटी 6.4 में आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर में पानी को उबालना है, और आप ये देखेंगे कि जब हम पानी को उबालते हैं तो बॉयल करने पर पानी में से स्टीम निकलती है, स्टीम निकलती है ना, और आप क्या करेंगे, मतलब जिससे आप उसको ढकते हैं तो उस पर स्टीम क्या हो जाती है, स्टीम स्टोर हो जाती है, और आपने देखा है उस पर स्टीम पानी में बदल जाती है, यही होता है ना। तो क्या हुआ, जो गैस है वो किस में बदल गई बच्चों? लिक्विड में बदल गई। गैस जो है वो किस में बदल गई? लिक्विड में बदल गई। ठीक है, और आप ये देखेंगे अब जो पानी है, पहले क्या हुआ, जो पानी था, जो लिक्विड था, वो किस में बदला? गैस में बदला। पहले जो पानी था, मतलब जो लिक्विड था, वो किस में चेंज हुआ बच्चों? गैस में ही तो चेंज हुआ। जो वाटर था वो किस में चेंज हुआ? स्टीम में, मतलब दिखने में चेंज हो गया।
और फिर उसके बाद जो वाटर, जो स्टीम थी, वो किस में बदल गई? लिक्विड में बदल गई. किस में बदल गई? लिक्विड में बदल गई. तो क्या हुआ, इस तरीके से जो लिक्विड है वो गैस में बदली और जो गैस है फिर लिक्विड में चेंज हो गई. मतलब चेंज हुआ किस में? केवल उनके दिखने में चेंज हुआ. नेक्स्ट जो एक्टिविटी 6.5 है, आपको क्या करना है, एक आरी लेनी है, लोहे की जो आरी होती है, और चिमटे से पकड़कर उस लोहे की आरी को क्या करना है, फिर आपको गैस स्टोव पे उसको आगे से गर्म करना है, फिर कुछ देर तक इंतज़ार करना है. और आप ये देखेंगे कि जो ब्लेड है उसकी जो टिप है, जो ऊपर है ब्लेड, जो ऊपर की टिप है उसकी, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा उसका कलर? चेंज हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम पे से उसको ब्लेड को हटा लेंगे और फिर हम फिर देखेंगे. अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या उसका ओरिजिनल कलर आएगा वापस? बताइए. देखिए, जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा उसका कलर? चेंज हो जाएगा. तो कलर में चेंज आएगा. अब देखिए, जो एक्टिविटी 6.1 है और जो एक्टिविटी 6.2 हमने की, उसमें हमने देखा कि जो पेपर है और जो चौक का पीस है वो उनके साइज़ में बदलाव आया है ना. वैसा कोई चेंज नहीं आया, उनके साइज़ में बदलाव आया. क्या आया बच्चों? उनके साइज़ में बदलाव आया. और 6.3 और 6.4 में क्या हुआ, वाटर ने अपनी फॉर्म बदली. जैसे वाटर लिक्विड में बदला या फिर गैस में बदला या सॉलिड में बदला ना, तो उसने अपनी फॉर्म चेंज की. और एक्टिविटी 6.5 ने क्या हुआ कि जो ब्लेड था उसका गर्म करने पर कलर बदला. क्या हुआ? गर्म करने पर कलर बदला. प्रॉपर्टीज सच अ शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, या सब्सटेंस स्टेट, उसकी स्टेट कौन सी है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में है या गैस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, मतलब सॉलिड है या वो चीज़, या वो लिक्विड है या वो गैस है. तो ये सारी चीज़ें उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. कैसी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? शेप, साइज, कलर, या उस सब्सटेंस का स्टेट कैसा है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है. ठीक है, तो एक ऐसा बदलाव जो कहाँ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए. कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने पर उन चेंजेस को हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस. मतलब किसी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, मतलब उसका साइज बदल जाए या उसकी शेप बदल जाए या उसका कलर बदल जाए या फिर उसकी स्टेट बदल जाए, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए. तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस. क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस. और ये चेंजेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. मतलब जैसे हमने देखा ना कि लिक्विड से गैस बन गया और गैस से फिर लिक्विड हो गया, तो चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उल्टे हो सकते हैं. लिक्विड से गैस बन सकती है, गैस से लिक्विड हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी जो चौक बनी उसको हम फिर सुखा कर फिर वो डस्ट बन सकती है. तो फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाता है. और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस. क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस. तो आपको समझ में आया फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी केमिकल चेंजेस के बारे में. टिल देन आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कीजिए. हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय.